हे किरण, तुम? मैं सोचा कि आके देखूं तो कि सभा कैसी लग रही है। देखो किरण, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, देखना तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी होगी। मुझे तो सभा में कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई, ना जाने आ रही उसको ऐसी क्या खास बात लगी उसमें कि उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। इस सवाल का जवाब आरेज ही दे सकते। पता है जैबू, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारी शादी आरेज से हो जाएगी। क्या? हाँ, मगर मैं गलत निकली, तुम्हारी शादी फवाद से हो गई। और मैं कितनी खुश हो गई थी कि अब मेरी शादी आरेज से हो जाएगी, मगर कितनी नादान थी ना मैं, हमेशा तुम्हें अपना हरीफ समझती रही। मगर मेरी असल दुश्मन तो सभा है। ये तुम क्या कह रही हो किरण? सही तो कह रही हूँ मैं, अभी तो मौका मिला है मुझे ये सब कहने का। इन बातों का कोई फायदा नहीं है, आरेस की शादी हो गई और शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि ये शादी चलेगी? ऐसा बोलो किरण, किसी ने सुन ली तो हंगामा होगा। तुम कोई और बात करते हैं ना, भूल जाओ सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उससे चलेगी। किरण चलो चलो, आ जाओ खाना खाते हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। सफीना, मेरी सभा का बहुत ख्याल रखना। मैंने बहुत मेहनत और मशक्कत से पाला है उसे। लाडों की पली हुई। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सभा मेरी बेटियों जैसी है। सेबू भी मेरी बेटी है, बहू नहीं। सेबू तो आपके खानदान की है, आपकी भांजी है ना वो। सभा हमारी बहू है, हमारे घर में उसे बहुत अपनाइयत और मोहब्बत मिलेगी। हम लोग बहू बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, पूरी तसल्ली रखें। सेबू तो आपके खानदान के सब तौर तरीके जानती थी ना, मगर मेरी सभा के लिए सब कुछ नया है, नया खानदान है, नया माहौल है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सभा का बहुत ख्याल रखेंगे। वैसे भी जेबू के साथ कई बार वो आ चुकी है हमारे यहाँ। हाँ, हम बहुत सादा लोग हैं, हमारे घर का माहौल भी बहुत सादा है। आप फिक्र ना करें, सभा को बहुत मोहब्बत मिलेगी हमारे यहाँ। इंशाल्लाह।